पोषण अपर्ण। नमस्कार, आई एम प्रियांशी बेदानी, स्टैंडर्ड 8 फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय जयपुर। इन दिस वीडियो वी आर डूइंग पार्लियामेंट सोशल साइंस वाज एलेक्टिविटी। सो बिहाफ ऑन केवीएस टीम जयपुर, आई वेलकम यू। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम द्विजा है। सामाजिक विज्ञान की इस वर्चुअल एक्टिविटी में हम कक्षा 8 के विद्यार्थी भारतीय संसद में क्वेश्चन आवर्स या प्रश्न काल की एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में हम जानेंगे कि संसद अपना कार्य कैसे करती है और विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार कैसे देती है। धन्यवाद। माननीय स्पीकर महोदया, कृपया शांति बनाए रखें। प्रश्न संख्या 246 सुश्री लीजा धामी प्रश्न पूछिए। नमस्कार मैडम स्पीकर, धन्यवाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से सदन में उपस्थित सदस्यों व सरकारों का ध्यान निम्न बिंदुओं में लाना चाहती हूँ। आजादी के बाद से ही नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्यों आसाम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड सरकारों के द्वारा विकास नहीं किया गया। मैडम स्पीकर, एक तरफ से भारत में डेवलपमेंट हो रहा है और नॉर्थ ईस्ट में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। रेल, एयरपोर्ट, इंटरनेट इत्यादि की इन क्षेत्रों में अभी तक पहुंच नहीं की गई। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है। स्कूल, हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सुविधाओं की आज भी बहुत कमी है। मैडम स्पीक, मैडम मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहती हूँ कि आपने नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या किया। स्पीकर मैम, अंत में आपके माध्यम से मैं सरकार तक दुष्यंत कुमार जी की शायरी से अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ। यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे बसते हैं, यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह का जलसा हुआ। जवाब मंत्री महोदय मिहिर सोलंकी दीजिए। धन्यवाद स्पीकर मैम, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। सदन में उपस्थित हमारे सहभागी लोग हम पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार ने उत्तर पूर्वी भारत समेत संपूर्ण भारत में योगदान के लिए समर्पित है। हमारी सरकार ने 2019 में उत्तर पूर्वी के 8 राज्यों के लिए 50,169 करोड़ रुपयों का योगदान दिया है, जो आज तक का सबसे सर्वाधिक बजट है। एयर कनेक्टिविटी के लिए सिक्किम में पाक्योंग एयरपोर्ट चालू करवाया गया है और गैंगटोक में हवाई अड्डे का निर्माण हो चुका है। गुवाहाटी एयरपोर्ट में बड़े हवाई जहाज को उतारने के लिए बड़ी हवाई पट्टियां भी बनवाई गई है। NEC नॉर्थ ईस्ट सेक्टर रोड सेक्टर डिपार्टमेंट स्कीम के तहत हमने 10,500 किलोमीटर लंबी सड़कें बनवाई है और रेल कनेक्टिविटी के लिए हमने ब्रॉडगेज में 20 कनेक्टिविटी स्टेशन बनवाए हैं। 4,240 गांवों में ब्रॉडगेज के द्वारा इंटरनेट पहुंचाया गया है। बोलने दीजिए, हमें बोलने दीजिए, हम यहां पर आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, बोलने दीजिए। राष्ट्रीय बांस मिशन में स्थानीय लोगों को रोजगार सृजन हो रहा है और पूर्वोत्तर राज्यों में हम ज्यादा से ज्यादा खेल को बढ़ावा दे रहे हैं और खेलों की यूनिवर्सिटियां भी बनवाई है। हमारी सरकार के कार्यालयों में उत्तर पूर्वी में पर्यटन बढ़ा है और विपक्ष को हमारा काम ही नजर नहीं आता, वो तो सिर्फ अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स ही देखता है। इसके पहले भी तो उनकी सरकार थी, लेकिन उनकी सरकार ने क्या किया। मैं आशा करता हूँ कि विपक्ष के नेताओं को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। धन्यवाद स्पीकर मैम। सुश्री हिमांशी भट्ट प्रश्न पूछे। धन्यवाद स्पीकर मैम, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। आपके माध्यम से मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगी कि लगातार हर वर्ष दिल्ली समेत बड़े बड़े महानगरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली एक गैस चैम्बर बन चुका है जहां लोग सांस तक भी नहीं ले पा रहे हैं। मैं सरकार से सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि उन्होंने नेशनल लेवल पर प्रदूषण से निपटने के लिए क्या क्या किया है। देश का विकास करने के लिए उद्योगों को स्थापित करना जरूरी है, लेकिन क्या पर्यावरण का विनाश करके ही किया जा सकता है। इस सरकार के पास सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या रोड है। अंत में सदन में उपस्थित सभी सदस्यों
मैं संपूर्ण भारत को यह संदेश देना चाहती हूँ कि यदि समय रहते हमने पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह बहुत घातक होगा। धन्यवाद स्पीकर मैम। मंत्री सुश्री द्विजा जी जवाब। धन्यवाद स्पीकर मैम। अक्टूबर और नवंबर के माह में उत्तर भारत में वायु प्रदूषण बढ़ने का कारण हरियाणा और पंजाब में बर्फबारी को झलाना, दिल्ली में यातायात औद्योगिक इकाइयों का धुआं, इसके अलावा इस समय में भौगोलिक रूप से विंड स्पीडिंग होती है तो उत्तर भारत के मैदानों में हाई प्रेशर बन जाते हैं, इससे भी वायु प्रदूषण बढ़ता है। स्पीकर मैम, हम लगातार दिल्ली में प्रदूषण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसके लिए हमने सहकारी संघवाद के उद्देश्य से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेट किया है, जल्दी ही हम वायु प्रदूषण पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। सतत विकास किसी भी देश के विकास के लिए एक आवश्यक कार्य है। हमारी सरकार लगातार पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन पर काम कर रही है और हमने राज्यों के साथ सहकारी संवाद के तहत पर्यावरण का ही नहीं बल्कि लोगों का विकास भी एक साथ विकसित करने का लक्ष्य तय किया है। स्पीकर मैम, आपके माध्यम से मैं सदन में उपस्थित सदस्यों को बताना चाहती हूँ कि 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। 448 श्री सोहम जी सवाल पूछे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अभी सुन रहा था कि इनकी सरकार उत्तर पूर्वी भारत समेत संपूर्ण भारत में विकास के लिए समर्पित है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र पोरबंदर में जेतपुर टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसका एक कारण अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चाइना के साथ कंपटीशन है। इसके आसपास की कपास की खेती करने वाले किसानों को आमदनी में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को फैक्ट्रियों से निकाला जा रहा है क्योंकि फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन कम हो रहा है। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जेतपुर समेत संपूर्ण भारत टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों के लिए वर्तमान सरकार क्या कर रही है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि चाइना की टेक्सटाइल कंपनियों से हमारे देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों को कैसे बचाया जाए। यह एक गंभीर समस्या है, इसका समाधान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे आर्थिक तंत्र के प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में गंभीर मसला है। हिंद। मंत्री महोदय निशांत गुप्ता जवाब दीजिए। थैंक यू स्पीकर मैडम, मुझे बोलने का मौका देने के लिए और विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए। मैडम, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट इज सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। मैडम, मैं ये बताना चाहूँगा भारत के टोटल एक्सपोर्ट का 12% केवल टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग का है जिसमें भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। मैडम, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत की जीडीपी का 12% रखती है। मैडम, 45 मिलियन, मैं आपको और विपक्ष को बताना चाहूँगा इसमें 45 मिलियन लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 6 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती है। और मैडम, मैं ये भी बताना चाहूँगा इसमें ज़्यादा संख्या ग्रामीण और महिलाओं की है। मैडम, पता नहीं क्यों विपक्ष को ऐसा लगता है कि हम इस सेक्टर के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैडम, हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल जिसमें वूल, कॉटन, जूट और सिल्क है, उसके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काम किया है। मैडम, जिससे व्यापारियों को, किसानों को और इनको आर्थिक लाभ होता है। आप शांत रहिए, अभी हम आपके सवालों का इधर जवाब दे रहे हैं। शांत रहिए, आप जब प्रश्न पूछ रहे थे तो हम आपके प्रश्नों का सुन रहे थे, अभी आप हमारे जवाबों को सुनिए अभी हमारे जवाबों को। हमने टेक्सटाइल सेक्टर में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए नई स्कीम चलाई है जिससे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। मैडम, हम टेक्सटाइल पार्क स्थापित कर रहे हैं जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वर्ल्ड
क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त होगा। मैडम इससे चाइना से कंपटीशन में नाला खत्म हो जाएगा। मैडम हमारी सरकार किसानों के लिए हमेशा तत्पर रही है और इस सरकार ने ज़्यादातर कपास के किसानों के लिए हमने पर्याप्त सहायता की है। मैडम हमने और हमारे और सहयोगी लोगों को हमारी इंडस्ट्री हमारे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट देखनी चाहिए और यह हमारी सरकार पुरानी की तरह नहीं है और यह अपने वचन और काम के दोनों के लिए भारत की जनता के लिए हमेशा के लिए समर्पित है। धन्यवाद स्पीकर मैडम। संख्या 449 श्री जय वंजारा प्रश्न पूछिए। धन्यवाद स्पीकर मैडम, आपने मुझे भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने वाली संसद में बोलने का मौका दिया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार रोज भारत में 160 किसान आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके सामने कई कठिन परिस्थितियां आ जाती है जैसे मंडियों में सही दाम ना मिलना और फसल चौपट हो जाने आदि। और 1995 के बाद से लगातार उस रिकॉर्ड में वृद्धि हो रही है। और मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि मैडम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई? अन्नदाता किसान आज भी अपने पसंद के दाम पर मंडियों में अपनी फसल नहीं बेच पा रहा। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाए। वर्तमान सरकार महंगाई को रोकने के लिए काम नहीं कर रही। एपीएमसी मंडी समिति में सुधार होना बाकी है। स्पीकर मैडम मुझे लगता है कि इस सरकार के पास किसान के लिए कोई रोड मैप नहीं है। और माननीय कृषि मंत्री जी नींद से जागिए, किसान के हित में कुछ सोचिए। और अब मैं अपनी बात को यहीं पे अंत करता हूँ। जय जवान जय किसान, धन्यवाद। कृषि मंत्री श्री कुंज जी जवाब दीजिए। धन्यवाद स्पीकर मैम। माननीय प्रधानमंत्री सुश्री तनिषा जी के निर्देशन में हमारी सरकार किसान के कल्याण और समृद्धि में कार्य कर रही है। बजट 2019-20 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को ऐतिहासिक आवंटन मिला है। वित्त मंत्रालय ने इस मंत्रालय को 1,30,485 करोड़ रुपए का आवंटन दिया है। खरीफ फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने बढ़ाया है। सूखा, बाढ़, चक्रवात इत्यादि से किसान की फसल खराब हो जाती है, इसलिए हमने किसान के लिए फसल बीमा योजना का प्रारंभ किया है। सूखे से निपटने के लिए हमारी सरकार ने भारत में जल संरक्षण और सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य कर रही है, जिससे एक तरफ तो जल संकट की समस्या का समाधान होगा और दूसरी तरफ किसान भाइयों को उनकी फसलों में ज्यादा उत्पादन मिलेगा। हमने किसानों के ज्यादा लाभ प्राप्त करवाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड में सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। हम किसानों को मल्टीक्रॉप अपनाने के लिए जन जागरूक कर रहे हैं। हम लगातार सिंचाई परियोजनाओं पर विकास कर रहे हैं जिसमें स्मॉल मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट भी शामिल है। ड्रिप इरिगेशन और सोलर पंप के लिए हम देश के सभी राज्यों को सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। हम किसानों के लिए किसानों के हित में ही कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद स्पीकर। 450 प्रोफेसर रुश्वे काइंडली आस्क क्वेश्चन। थैंक यू स्पीकर मैम। हमारे लद्दाख में कहावत है भूख ना सास्ते, अगर कोई इंसान जमीन पर गिर जाए तो उसे मिट्टी का सहारा लेना ही पड़ता है। लेकिन वर्तमान सरकार इतना आकाश में है कि उसे जमीन से कोई लेना देना ही नहीं। स्पीकर मैम, मैं आपके द्वारा इस बहरी गूंगी सरकार को यह पूछना चाहूंगी कि स्पीकर मैम आप भी एक महिला हो, मैं भी एक महिला हूँ, महिला व बाल विकास मंत्री सुश्री दुबे भी हमें देख रही है और यहाँ तक कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी एक महिला है, तो संसद में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का बिल है उसे भी लागू करवा दीजिए। किसी व्यक्ति की अच्छी हेल्थ न होना एक गंभीर समस्या है। वर्तमान में सरकार 3.6%
जीडीपी हेल्थ में खर्च कर रही है और वहाँ अमेरिका में 16.9 जीडीपी खर्च हो रहा है। शांत रहिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए, शांत रहिए। और वहाँ अमेरिका में 16.9 जीडीपी खर्च हो रही है, क्या कर रही है सरकार? जवाब मिलेगा हमें। देश की सुरक्षा एक गंभीर मसला है। लगातार सीमाओं में आतंकवादी और घुसपैठियां हो रही है। सरकार क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है? हमें जवाब मिलेगा? जनगणना 2011 के अनुसार महिला लिटरेसी रेट 64.6% है और देश में 74%, यानी भारत में अभी भी खराब स्थिति है। तो सरकार ने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या किया है? क्या प्रोग्राम बनाए हैं उन लोगों ने? किसान मर रहे हैं, मजदूर के पास खाना नहीं, गरीब भूखे पेट भर रहे हैं, महिलाओं के पास तो अधिकार ही नहीं, युवाओं के पास रोजगार नहीं। क्या कर रही है सरकार? क्या कर रही है? हमें जवाब मिलेगा? जब ही सरकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार गोल 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 जवाब मिलते हैं हमें। हाँ स्पीकर मैम, मुझे पता है कि एक मिनट के डिबेट के लिए संसद में 2.5 लाख खर्च होते हैं। बस मैं एक अंत में कविता के माध्यम से अपना स्पीच उसका कंप्लीट करूंगी, जो गहर ड्रेसी के द्वारा लिखी गई है। ये कारवां निकल पड़े हैं मंजिलों के चाह में, ये कारवां निकल पड़े हैं मंजिलों की चाह में, ये मंजिलों पे जाके ही रुकेंगे। देख लो, तुम्हें जुनून है कि हम घरों में ही दबे रहे, तुम्हें जुनून है कि हम घरों में ही दबे रहे, निकल पड़े हैं, देख लो, चलेंगे, देखते रहो। 50वीं सदी ने कहा है देश हम भी है, वैसे तो 50वीं नहीं, उससे भी कम है महिलाओं की जनसंख्या। 25वीं सदी ने कहा है देश हम भी है, हमारा भी हक है इस देश पर, लेके रहेंगे, देखते रहो। बराबरी की मांग पर इस तरह खफा है क्यों? बराबरी की मांग पर इस तरह खफा है क्यों? ये कश्मकश यही तिलक? नहीं 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 नहीं, ये कश्मकश यही तिलक? नहीं 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 नहीं, बराबरी को लेके ही रहेंगे, देखते रहो। थैंक यू स्पीकर मैम। डॉक्टर ध्रुवी शर्मा, प्लीज आंसर। धन्यवाद स्पीकर मैम, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। जमीन से जुड़े रहना शौक है हमारा, जमीन से जुड़े रहना शौक है हमारा, और यही तो खासियत है हमारी। विपक्षियों को मैं इस माध्यम से यह बताना चाहूंगी कि मैं इस जमीन पर रहकर आसमान की बुलंदियों को छूने वाली भूमि पुत्री हूँ। हमारी सरकार ने महिला विकास के लिए बजट में 24,700 करोड़ रुपयों का आवंटन किया है। सरकार लगातार महिला की शिक्षा, महिला के स्वास्थ्य व शिशु की देखभाल में कार्यरत है। महिलाओं के स्वास्थ्य में वृद्धि करने के लिए हमने मातृ शिशु स्वास्थ्य स्कीम के तहत प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर व बड़े अस्पतालों में अलग से व्यवस्था की है। सेमी अर्बन ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए भी हम सभी राज्यों की सरकार मिलकर काम कर रही है। देश की सीमाएं पूरी तरीके से सुरक्षित है, तो मेरा भी विपक्षियों से यह आग्रह है कि वह देश की सेना पर राजनीति ना करें। देश की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। देश की सुरक्षा के लिए और अत्याधुनिक हथियारों के विकास के लिए ₹3,059 करोड़ रुपयों का बजट भी हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया है, लेकिन विपक्षियों को हमारा काम नहीं दिखता। उन्हें तो सिर्फ हमारी आलोचना ही करनी है। देश हमारी सरकार देश में क्वालिटी एजुकेशन और रोजगार शिक्षा को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसके लिए हमने स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी कॉलेज में छात्रवृत्ति प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है, जिससे देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल रहा है। हमारी सरकार लगातार किसानों के विकास के लिए भी काम कर रही है। हमने किसानों को ज्यादा से ज्यादा इनकम प्राप्त हो, इसके लिए कई सारे मार्केट रिफॉर्म किए हैं। स्पीकर मैम, मैं आपके माध्यम से हमारी ऑपोजिशन के लीडर सुश्री डॉक्टर रुश्वी जी से यह बताना चाहूंगी या यह कहना चाहूंगी कि वह आप हैं जो इधर उधर की बातें करते हैं, हम तो देश की बातें करते हैं, देश के
उपस्थित गणमान्यों को मेरा नमस्कार। लोकतंत्र चुनावी प्रक्रिया के बाद लोगों ने हमारी सरकार को मैंडेट दिया है और हमारी सरकार के लोगों विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता हमारी सरकार के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। स्पीकर मैम, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि रोजगारों को बढ़ावा देने के लिए और हमारे भारत औद्योगिक विकास को तीव्र करने के लिए भारत सरकार ने और इंफ्रास्ट्रक्चर में 5,000 करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा है, जिससे देश का विकास और भी तीव्र हो। नई शिक्षा नीति के तहत हम क्वालिटी एजुकेशन जो की रोजगार पर होगी और हम संपूर्ण भारत में हम लागू कर रहे हैं। पिछली शिक्षा नीति की तुलना में हमने शिक्षा नीति को ज्यादा से ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट में ध्यान में रखा है। खेती किसान पर हमने इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स किए हैं। साथ ही साथ में किसानों को ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट की व्यवस्था की है, जो कि इस सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य था। पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में भारत समेत विश्व में एक गंभीर समस्या है। इससे निपटने के लिए हमारी वर्तमान सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऊर्जा से रिन्यूएबल फॉर्म्स पर देशी और विदेशी का निवेश करने का आकर्षित कर रही है, जिससे सतत पर्यावरण में विकास हो। हमने संपूर्ण भारत में भारत स्टेट 6 को लागू कर दिया है, जिससे व्हीकल से होने वाले प्रदूषण पर 15% की गिरावट आई थी तथा हम 2030 तक 70% वाहनों पर इलेक्ट्रिकल का लक्ष्य लेकर चल रहे, जिसकी कड़ी में हम इलेक्ट्रिकल वाहनों पर 1.5 लाख तक संस्था दे रहे हैं। स्पीकर मैम, हमारी सरकार ने गंगा यमुना नदियों की साफ सफाई का कार्यों का 80% से ज्यादा यूज कर लिया है और आगामी 4 साल तक इसको 100% कर दिया जाएगा। स्पीकर मैम, सदन को मैं बताना चाहूंगी कि भारत दक्षिण एशिया में सामरिक स्थिति रखना है और हमारी सरकार लोगों को सीमाओं चाहे वो जमीन की हो या समुद्र की हो सुरक्षा के लिए हम तत्परता से कार्य कर रहे हैं और हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित है और भारत में रक्षा बजट में बेदोतारी हो रही है। भारत और आधुनिक हथियारों का भी प्रयोग हो रहा है। वर्तमान में ब्रह्मोस मिसाइल का एक सफल परीक्षण का एक उदाहरण है। स्वास्थ्य के फ्रंट पर हमारी सरकार राज्यों के साथ सहयोग कर रही है, जो कि सहकारी संघवाद का एक उदाहरण है। हमने स्वस्थ विकास के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर कार्य किया है। महिला सुरक्षा के लिए हमने कानूनों को मजबूत किया है और साथ ही साथ LPG गैस सिलेंडर की सुविधा महिला में सुरक्षाकारी हो रहा है। औद्योगिक विकास के लिए हमने गए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए हैं और जिसने न केवल भारत की GDP में वृद्धि बल्कि भारत में रोजगार के अवसर भी बढ़े। माइक्रो स्मॉल मीडियम इलेक्ट्रिकल भारत में अर्थव्यवस्था की रीढ़ हो रही है। MSME के लिए हमने आसान क्रेडिट और निवेश की व्यवस्था की है तथा उसके बजट में 25% बढ़ा दिया है, जिससे न केवल MSME में 15 लाख नए रोजगार सृजन होगा। और स्पीकर मैम, हम भी विपक्ष में रहे लेकिन सरकार के साथ खड़े रहे हैं। हमारे विपक्ष के गणमान्य सदस्य कहते हैं कि हमारी सरकार आसमान में उड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी सरकार जितना विकास जमीन में कर रही है उतना ही अंतरिक्ष में भी कर रही है। हम अंतरिक्ष अनुसंधान में विकास के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही साथ वर्तमान में इसको मंगलयान 2 और चंद्रयान 2 पर कार्य कर रहा है, जो कि हमारे देश के लिए गौरव। स्पीकर मैम, सरकार तो बदलती रहती है लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है वो दोबारा सरकार बनाएगी और सरकार इस कार्य के बाद फिर से निश्चित होकर आएगी। धन्यवाद स्पीकर मैम। प्रश्नकाल का समय 11 बजे से 12 बजे तक होता है और 12 बज चुके हैं, इसलिए प्रश्नकाल को यही स्थगित किया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गोविंद मीणा। नमस्कार, मैं इमरान खान। कक्षा 8 के जो विद्यार्थी है उन्होंने पार्लियामेंट की एक एक्टिविटी की है। इस एक्टिविटी को हम जो एक्टिविटी थी ट्यूशन आवर से रिलेटेड थी पार्लियामेंट के तहत। इस एक्टिविटी में जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो प्रियांशी और द्विजय ने दिया है और उन्होंने बड़ी ही अच्छी तरीके से ये समझाया है कि हम इस एक्टिविटी में क्या करने वाले हैं और किस तरीके से संसद में प्रश्नकाल होता है। तो जो प्रश्नकाल की जब शुरुआत होती है, पार्लियामेंट का जब सेशन होता है, तो भारत के संविधान के तहत 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए एक पार्लियामेंट का जो सेशन होता है उसके बीच में। तो भारत में जनरली 3 पार्लियामेंट के सेशन होते हैं। विंटर सेशन में जो विंटर
विंटर का टाइम होता है तब विंटर सेशन होता है, मॉनसून का जब टाइम होता है तब मॉनसून सेशन होता है, एक सेशन होता है जनवरी फरवरी में जो बजट सेशन होता है। तो इसमें हमने जो सेशन लिया है ना, इसमें जो लोकसभा में 11 बजे से 12 बजे तक का जो समय होता है ना, वो प्रश्नकाल होता है। तो हमारी जो एक्टिविटी ना, वो प्रश्नकाल से संबंधित है। तो जब एक्टिविटी की शुरुआत होती है तो स्पीकर महोदया सबसे पहले लोकसभा के अंदर प्रवेश करती है, और भारत के संविधान के आर्टिकल 93 के तहत भारत में लोकसभा की एक स्पीकर होंगी। उसके बाद लीजा धामी जो एमपी फ्रॉम गुवाहाटी का रोल कर रही है, उन्होंने ये बताया है, ये प्रश्न पूछे हैं कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों के डेवलपमेंट में पिछड़े क्यों हैं, वहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट क्या काम कर रही है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, और ये कैसे सुनिश्चित कर रही है कि वहाँ के वहाँ पे रोजगार का रोजगार जनरेट हो। हाँ, और इसके जवाब में जनरली क्या होता है, जो क्वेश्चन आवर होता है ना, उसमें जो विपक्ष के सांसद या सरकार के जो सांसद होते हैं वो एक पर्टिकुलर टॉपिक में अपने क्वेश्चन रखते हैं। तो जैसे जो लीजा धामी थी एमपी फ्रॉम गुवाहाटी, तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्न रखे थे। तो कंसर्न जो मिनिस्टर होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो मिनिस्टर थे मिस्टर मीर सोलंकी, जो मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट रीजन के मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिए और बताया कि किस प्रकार से जो वर्तमान सरकार है वो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट कर रही है। उसके बाद हिमांशी भट्ट, जिन्होंने दिल्ली पॉल्यूशन और पर्यावरण संकट से संबंधित प्रश्न किए, उनके जो प्रश्न थे वो इस बात की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि महानगरों में बढ़ते हुए प्रदूषण को हम कैसे देख रहे हैं, वहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जो विकास के लिए हम अंधी दौड़ हो रही है उसके साथ इन सब चीज़ों को कैसे काउंटर करेंगे, उस बारे में उन्होंने प्रश्न किए। तो इसका जो जवाब दिया वो पर्यावरण जो मंत्री थी हमारी श्री दिविजा, उन्होंने इसका जवाब दिया और उन्होंने कारण बताया कि जो दिल्ली जैसे महानगर में अभी वर्तमान पॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि हरियाणा पंजाब में जो पराली जला जा रही है, इसके अलावा जो उसके ज्योग्राफिकल कारण भी उन्होंने बताया। साथ ही साथ में जो सरकार की जो नीति है पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, उसको संसद के समक्ष और संसद के पटल में उन्होंने रखा। उसके बाद सोहम खुंद, जो एमपी फ्रॉम पोरबंदर का रोल कर रहे हैं, उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो किस तरीके के संकट से गुजर रही है, चीन और अन्य विदेशों से उसको क्या क्या कंपटीशन मिल रहा है, और उससे यहाँ के लोगों को क्या रोजगार में संकट आ रहा है, ठीक है, इस पे उन्होंने प्रश्न किए और इसका जवाब है वो दिया निशांत गुप्ता ने। देखिए, जो सोहम पुत्र ने प्रश्न किए थे वो बड़े ही वाजिब थे। उनका ये कहना था कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो क्राइसिस आ रहा है भारत में, तो एक तो चाइना से बढ़ता हुआ कंपटीशन है, दूसरा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है ना, तो इसमें जो रॉ मटेरियल है ना वो फार्मिंग से आता है, जो कॉटन हुआ या फिर सिल्क हुआ, तो जो फार्मिंग क्राइसिस है ना वो भी इसी के साथ चल रहा है। इसके जवाब में जो मिनिस्टर थे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के निशांत गुप्ता, उन्होंने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की जो पॉलिसी थी उसको सदन के पटल में रखा। साथ ही साथ में उन्होंने जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है उस मिनिस्ट्री की जो एनुअल रिपोर्ट थी उसको भी उन्होंने संसद के पटल में रखा और अपनी जो बात थी सरकार की जो कार्य थे उनको संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। उसके बाद जय बंजारा, उन्होंने किसान आत्महत्या, फसल पैदावार में कमी, कम बारिश के कारण जो फसल पैदावार में कमी है उस पर बात की, उसके अलावा स्वामीनाथन रिपोर्ट, MSP, महंगाई इत्यादि पे प्रश्न किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो किसान आत्महत्या है वो पिछले कुछ सालों में इतनी ज्यादा बढ़ गई है और उसको उसके लिए सरकार क्या कर रही है। देखिए, ये जो क्वेश्चन था जय बंजारा जी का, जो कि मैसूर से सांसद है, उन्होंने जो एग्रीकल्चर में जो क्राइसिस है और उससे जो किसानों की जो आत्महत्या हो रही है उसको सदन के समक्ष प्रस्तुत किया, और जो जिस प्रकार से एग्रीकल्चर में जो लेक आ रहा है, जो क्राइसिस आ रहा है, उससे संबंधित के प्रश्न थे और एक बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि भारत का आज भी 54% के आसपास जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर से आता है। तो इस संबंध में जो कृषि मंत्री थे कुंज, उन्होंने कृषि नीति के संबंध में प्रकाश डाला, साथ ही साथ में जो किसान है उनकी आमदनी कैसे बढ़े उससे संबंध में उन्होंने जवाब दिए, उन्होंने जो फसल बीमा योजना है उससे संबंधित प्रकाश डाला, साथ ही साथ में उन्होंने जो
मॉडर्न इनपुट है उससे संबंधित जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उससे संबंधित भी जो कृषि मंत्री थे उन्होंने उसके संबंध में जवाब दिए। उसके बाद जो पर्सन था वो डॉक्टर उश्री की तरफ से था जो लीडर ऑफ अपोजिशन है। जो गवर्नमेंट के लीडर होते हैं उनको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जो गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरीके से ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो विपक्षी दल है उनका उनकी लीडर है ये, ठीक है। इन्होंने काफी महत्वपूर्ण सवाल उठाए, उसमें से एक था महिला रिजर्वेशन, जो 33 रिजर्वेशन की बात काफी लंबे से समय से चली आ रही है उस पे इन्होंने सवाल उठाए। युवा रोजगार, जो युवा रोजगार है उनको रोजगार के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट। हेल्थ प्रॉब्लम्स और देश की सुरक्षा, देश जो चारों तरफ से विदेशी जो पड़ोसी देश है उनसे किस तरीके से सुरक्षित रहेगा और सीमाओं पर हम क्या कर रहे हैं उस बारे में इन्होंने क्वेश्चन किए। जी बिल्कुल, रुश्वी के जो सवाल थे बहुत ही जरूरी सवाल थे। उन्होंने महिला विकास, महिला आरक्षण, महिला अधिकार से संबंधित साथ ही साथ में देश की सुरक्षा से संबंधित प्रश्न उठाए थे सदन के समक्ष। और जो ध्रुवी थी जो कि मिनिस्टर ऑफ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी भी वो मिनिस्टर है, तो उन्होंने विपक्ष की जो लीडर थे साथ ही साथ में जो सदन को जो अपने जवाब दिए वो बहुत बेहतरीन थे। उन्होंने सरकार के किए गए सारे कार्य बताए, साथ ही साथ में उन्होंने ये भी चीज इंगित की कि सरकार अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध है, वो महिला विकास के लिए कार्य कर रही है, वो देश की जो सीमाएं उसकी सुरक्षा से संबंधित कार्य कर रही है, साथ ही साथ में जो सरकार है वो किसानों से संबंधित विकास के लिए भी कार्य कर रही है। फिर इसके पश्चात जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक स्पीच दी। देखिए जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो देश के जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो सरकार बोलती है, सरकार की नीतियां बोलती है। तो प्रधानमंत्री ने महिला विकास, कृषि विकास, देश की सुरक्षा, अंतरिक्ष से संबंधित हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है और इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो है, इसके अलावा युवाओं को रोजगार देना, साथ ही साथ में जितने भी जो डेवलपमेंट है उससे संबंधित जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने इन सभी विषयों को उठाया और बताया कि कैसे जो सरकार होती है अपने कार्यों को आगे बढ़ाती है। तो इसी के साथ जो कक्षा 8वीं के जो बच्चे थे उन्होंने एक बहुत बेहतरीन एक्टिविटी की है और वक्त से की है, उनके पास जो अवेलेबल जो रिसोर्सेज थे उनसे उन्होंने इस एक्टिविटी को संपन्न किया है जो कि बहुत बेहतरीन थी। बिल्कुल सही बात है, बच्चों की तरफ से जो प्रश्न काल है इनसे उनको ये पता चलेगा कि हमारे देश में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है और संविधान में कार्य किस तरीके से होता है उसको वो और बारीकी से और नजदीकी से जानेंगे और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को ये एक्टिविटी करने में बहुत ही मजा आया होगा। धन्यवाद।